बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हज़ारों करोड़ों दुरूद बहुजूर सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। चले मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देखिए ये मेरा ये टाइफून की खाली बोतल थी, इसको मैंने इसके अंदर होल्स किए। पिछली वीडियो में आपको बताया था किस तरह से होल्ड किए। तो अब मेरे कुछ फ्रेंड्स ये कुछ दोस्त हमारे पूछते हैं कि ये पुदीना किस तरह लगता है। तो देखें, एक तो मैंने इस तरह से आप बताया आप लोगों को, तो मैंने आपसे थोड़ा सा शेयर कर लूँ। एक तो सबसे पहले सॉलिड मीडिया तैयार करने के लिए हमने क्या किया कि हमने 50-50% इसके अंदर गार्डन सॉइल और काउडंग मिला लिया इसके अंदर। उसके अलावा फिर मैंने किचन वेस्ट कंपोस्ट इसके अंदर मिलाया, और इसको थोड़ा लाइट वेट करने के लिए मैंने इसके अंदर स्पेशली अंडे के छिलके मिलाए इसके अंदर। एक तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो जाएगी, दूसरे ये कि थोड़ा लाइट वेट हो जाएगा। और इसके अलावा मेरे पास कोको पीट नहीं थी, तो मैंने उसके लिए क्या किया कि इसके अंदर मैंने मूँगफली के छिलके मिला लिए, और सूखी हुई पत्ती होती है ना चाय की पत्ती, वो मैंने सुखा के मिला ली, क्योंकि देखा मैं अच्छा खासा लाइट वेट हो गया। इसको मैं यहाँ इस जगह टांगने का इरादा रखती हूँ पीछे की साइड पे ना, तो ये हमारा अच्छा सा प्लांटर तैयार हो जाएगा। तो मूंगफली के छिलकों से, अंडों के छिलकों से और हमारी सूखी चाय की पत्ती से, तो हमारा ये बहुत लाइट वेट हो गया। तो ये देखें ग्रीन और येलो कॉम्बिनेशन के अंदर, और ये ऊपर से हमारी रेड, इसका ये स्टैंड हमारा ये कितना अच्छा लगेगा ना ये। तो इसका सॉइल मीडिया भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसको ना पुदीनों को छांव की ज़रूरत होती है और पानी की रिक्वायरमेंट बहुत होती है इसको, तो इसके लिए इसलिए मैंने इसके अंदर ना होल्स बहुत छोटे छोटे से किए हैं। तो अब मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने किस तरह किया है। देखें, ये हमारी कटिंग जो होती है हमारे अपने गार्डन से हमने लिए, ये पीछे मेरे प्लांट्स लगे हुए हैं पुदीने के काफ़ी सारे, ऊपर जो हैंगिंग प्लांटर हैं उसमें भी लगे हुए हैं, इधर भी लगे हुए हैं। तो यहाँ से मैंने इतनी कटिंग ले ली इसकी, देखें, और इसके पीछे के जो नीचे के पत्ते थे ना तो वो रिमूव कर दिए। तो ये देखें, हमने ये साथ से बस मैं इस तरह से लगाती चली आ रही हूँ। तो इंशाल्लाह ताला हमारा बहुत अच्छा सा ये प्लांटर तैयार हो जाएगा, अल्लाह ताला से बहुत कवी उम्मीद है। ये देखें, मैं इस तरह से इसको अपने ये होलर से इसके अंदर होल कर लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मिट्टी दबने से ना वो होल तो हमारा थोड़ा सा सख्त हो जाता है यहाँ से। तो अब हम इसको देखें लगा रहे हैं। ये थोड़े कुछ होल्स मैंने ऐसे छोड़ दिए थे जानबूझ के, ताकि आप लोगों के साथ मिल के शेयर करूँ कि हमने किस तरह से लगाया ये। तो ये अक्सर हमारे फ्रेंड्स पूछते हैं कि हम ये पुदीना किस तरह लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं। तो इसी तरह से हम चाहें तो इसके अंदर देखें, बस ऐसे ही इसको हम दबाते चले आते हैं। ये देखें, ये लगा दिए ना, ये अब हमारा ये इंशाल्लाह तला चल पड़ेगा ये। तो देखें, ये मैं कुछ आपके सामने लगा रही हूँ ये, और इंशाल्लाह तला हम कुछ दिनों बाद आपको दिखाएँगे हमारा कितना अच्छा ये हैंगिंग प्लांटर तैयार हो गया। ये अभी इसके अंदर मैं ये रस्सी बांध के फिर इसको हैंग कर दूँगी उस उधर। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये देखिए माशाल्लाह से इसको हमने रिमूव करना है ये थोड़ा सा। इसमें लगा दी थोड़ा सा होल इसका। तो दोस्तों, अभी मेरे पास काफ़ी सारे होल्स बाकी हैं इसके, तो उसको मैंने अभी फिल करना है। और मेरे पास काफ़ी सारी कटिंग्स भी रखी हुई हैं, लेकिन अगर मैं सब दिखाती रहूँगी आपको तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, इसके साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।